हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, स्पेशल व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग हरिहरेश्वर से निकल चुके थे और अभी जाने वाले हैं हम लोग गणपतिपुड़े के लिए। तो यहाँ पर हमें एक होटल दिख गया था, ऐसे ही हम लोग ना चाय वगैरह पीने के लिए रुक जाते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वड़ा पाव वगैरह खाया, चाय पी। चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, वड़ा पाव भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बट तीखा बहुत ज़्यादा था यार। हम लोगों ने यहाँ पर वड़ा पाव खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए उसके लिए, गणपति पुड़े के लिए यहाँ से। बट हमें ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा खा लेते तो अच्छा रहता। उस टाइम ऐसा लगा कि चाय वगैरह पी लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक आधे होटल में रुक जाएंगे और उसके बाद खाना ही खाना है। तो ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, बट हुआ ही नहीं यार। रास्ते में हमें एक भी होटल नहीं मिला। फिर कितने देर के बाद हमें एक चाइनीज़ की गाड़ी मिली, वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रोकी और उसके बाद जो भी वहाँ पर मिला हम लोगों ने खाया। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन वालों को चिकन फ्राई मिला था और उसके बाद वेजिटेरियन वालों को मिला था ये नूडल्स वगैरह, तो वो हमने खाए। और उसके बाद हम लोग निकल गए गणपति पुड़े के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यार, किसी का खाने का मन नहीं कर रहा था, किसी का गाड़ी से उतरने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी हम लोग उतरे, ऑर्डर्स दिए और उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें खा ली क्योंकि पापे पेट का सवाल है यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आए हैं हम लोग गणपति पुड़े। आज पहले गणपति के दर्शन करने वाला है, उसके बाद बीच पर जाने वाले हैं। यहाँ पर कोई ये मालवाणी करके होटल है, यहाँ पर हम लोग रुके थे क्योंकि रात को कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हम लोग आए थे 2 बजे, 2 बजे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो जो हमें लड़का दिखा आगे, तो उसके साथ हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर रुके रात भर। और उसके बाद अभी दर्शन के लिए जाने वाला है, पहले गणपति के दर्शन करेंगे उसके बाद जाएंगे बीच पे। तो बस उसके लिए ही सब लोग रेडी हो गए हैं, पूरी फैमिली पीछे है, चलने वाला है, गाड़ी भी रेडी है। सिर्फ तो एक दो लोग गायब हैं इसमें से, तो वो लोग जब आ जाएंगे उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे और वहाँ पर जाके दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। शायद गणपति टेम्पल में शूट करना अलाउ नहीं है क्योंकि पिछली बार भी हम लोग गए थे तो थोड़ा सा ही शूट किया था। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने की, बट पॉसिबल नहीं हुआ तो रहने देंगे। तो जो भी आज एंजॉय करेंगे देख लेना आगे। बस यहाँ पर सब लोग रेडी होके खड़े हैं, कुछ लोग आए नहीं थे उनके वेट कर रहे थे। और बस यहाँ से निकलेंगे गणपति के मंदिर जाने के लिए, मतलब मंदिर में दर्शन करने के लिए। और आज ना मंदिर में दर्शन ही करना था सबको, मतलब कहीं नहीं जाना था, सिर्फ मंदिर में दर्शन करने थे। और बीच बीच पे भीगना नहीं था तो इसी वजह से हम लोगों ने ये मंदिर वाले सिंपल से नॉर्मल से कपड़े पहने। मतलब हम लोगों को लगा अगर थोड़े से भीग भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए इस तरह से ये कपड़े पहन लिए थे। बस हम लोग निकल जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से। और यहाँ से ना बहुत पास था मंदिर, मतलब पैदल ही गए थे हम लोग, गाड़ी वाड़ी नहीं ली थी, पैदल ही गए थे, बट जल्दी ही पहुँच गए थे हम लोग मंदिर में, तो बहुत पास था। और इसके बाद ये मालवणी होटल करके था तो यहाँ पर रुके थे हम लोग। रात को ही बहुत लेट पहुँचे, उसके बाद फिर रात को सो गए तो सुबह उठे, सुबह नाश्ता वगैरह करने के लिए भी टाइम नहीं मिला था हमें। तो हम लोग बस नहा वहाँ लेते थे और बस रेडी होके निकल जाते थे। तो यहाँ पर हम लोग पहले गणपति के दर्शन करने जाएंगे और यहाँ से ही पैदल पैदल ही गए थे, बहुत जल्दी मतलब पहुँच गए थे। ये हम गणपति पुड़े 3rd टाइम आ रहा है, मतलब इससे पहले भी 2 बार आके गए हम लोग गणपति पुड़े में, और गणपति पुड़े के ही बीच एंजॉय किया था सिर्फ। बट अभी ये पूरा कोकण घूमने वाले थे तो इसी वजह से गणपति पुड़े बीच पर इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। बट मुझे गणपति पुड़े का बीच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ख़तरनाक बहुत है। मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा कि डायरेक्ट ना गणपति पुड़े का जो बीच है वो डायरेक्ट पानी खींच लेता है, तो बहुत सारे इंसिडेंट वहाँ पर हुए हैं तो इसी वजह से डर लगता है यार वहाँ पर। पर कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना, अंदर मत जाना अगर आप जाते हो बीच पे यहाँ के, तो ज़्यादा अंदर मत जाना, बस बाहर बाहर से ही एंजॉय करना। और बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं गणपति पुड़े मंदिर में, और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे, तो वो फ़ोटो अगर देखने हैं आपको तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा। इंस्टाग्राम पे मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको यहाँ के ट्रिप के सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पे मास्क लगाना कंपलसरी था, और हम लोगों के मास्क ना
पूरे गाड़ी में ही थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर मास्क खरीदे थे, मतलब कुछ ही लोगों ने खरीदे थे, कुछ लोग पहन के आए थे घर उधर से ही, मतलब होटल से ही। और हाँ, मेरा तो मेरे ड्रेस पर मैचिंग ही मास्क था, तो इसी वजह से मैंने वही पहन लिया था। और हाँ, वो जो ड्रेस मैंने पहना है वो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया है, तो वो मैंने मीशो से लिया है। तो मीशो का लिंक तो मैं दे नहीं पाऊँगी आपको, बट इसका कोड दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, क्योंकि यहाँ पर तो लिंक नहीं दिए जाते हैं, कोड ही दे जाता है। तो काफ़ी दिन पहले लिया था मैंने, बहुत दिन पहले का, इसी वजह से अभी याद भी नहीं है प्राइस वाइज कुछ भी, बट ऑर्डर्स में देखना पड़ेगा और उसमें आपको कोड दे दूँगी मैं। बस यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, जैसे पूरे रूल्स है मंदिर के तो वैसे उसे फॉलो करना पड़ता है, बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, बस यहाँ पर लाइन वगैरह में लगे थे हम लोग। और मंदिर में दर्शन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी दर्शन हो गया है मंदिर में, ज़्यादा भीड़ नहीं थी यार यहाँ पर, बहुत जल्दी मंदिर के दर्शन हो गए और काफ़ी जल्दी हम लोग यहाँ से निकल भी गए थे, क्योंकि बीच पर ज़्यादा इन्जॉय नहीं करना था हमें, थोड़ी देर बीच पर इन्जॉय किया उसके बाद निकल गए। और यहाँ पर ना मूषक है जिसके कान में कुछ बोला जाता है, जो मन्नत वगैरह मांगनी है वो, बट उसे ना कवर किया था, तो इसी वजह से हम लोग मन्नत नहीं मांग पाए। मतलब तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो आप मूषक के कान में बोलते हो ना, वो मूषक गणपति के पास पहुँचाता है, जैसे आपकी मन्नत वगैरह कुछ बोलते हो, मांगते हो मन्नत, तो वो गणपति के पास ऑटोमेटिक पहुँच जाती है और फिर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो मूषक को ही कवर करके रखा था, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। अभिषेक क्या? विशिष्ट दिवस म्हणजे कोणते? मी अभिषेकच करतो ना। कसं राहते तुम्ही जर वार्षिक यहाँ से जैसे ही हम लोग निकले अभिषेक वगैरह करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने बोर्ड पढ़ा है, 1 रुपया मंदिरात जाण्यापूर्वी कैमरा मोबाइल बंद ठेवा, ये इन्होंने मराठी में लिखा है, बट मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि आप मंदिर में जाते टाइम अपना कैमरा और मोबाइल बंद करके रखो, तो ये बोला गया है वहाँ पे, इसी वजह से हम लोगों ने कैमरा मोबाइल बंद करके रखा था। और आप दूर से देख सकते हो, मैं आपको सिर्फ मंदिर दिखा रही हूँ बाहर से, बहुत सुंदर मंदिर है, और आप अगर नहीं आए हो तो एक बार ज़रूर आना यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और बीच भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बीच पर भी आपको। तो हम लोग स्पेशल आए थे इससे पहले दो बार, और अभी ये तो पूरे कोकण घूमने के टाइम आए हैं, तो यहाँ पर आप ये अंदर का नज़ारा है मंदिर का, ये आप बाहर से देख सकते हो। बस गणपति की मूर्ति नहीं दिखेगी आपको बाहर से, बस इतना ही दिखा सकती हूँ मैं जितना आपको दिख रहा है। मंदिर में दर्शन करके आ गए, वहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं है, इस वजह से बाहर से आपको दिखा दिया। मंदिर बहुत सुंदर है यार, ये बहुत सुंदर है। और हाँ, जिस मूषक के कान में मन्नत मांगी जाती है ना, वो मूषक का पूरा मतलब कवर करके रखा है कोरोना की वजह से, मूषक के कान में अभी मन्नत नहीं मांग सकते, दूर से ही बताना पड़ेगा, तो डायरेक्ट भगवान के पास ही बताना पड़ेगा आपको अगर आप कोई मन्नत मांगते हो तो। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, सबके दर्शन हो गए हैं और थोड़ा बीच का मज़ा ले लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। और कहाँ जाने वाले हैं वो वहाँ पर जाने के बाद आपको बता दूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। I'm
बस हम लोगों ने बीच पर थोड़ा सा एंजॉय किया, उसके बाद निकल आए हम लोग बाहर। और यहाँ पर बाहर आते ही आपको ये थोड़े से दुकान वगैरह दिखेंगे, मतलब ये शरबत वगैरह के। तो हम लोगों ने यहाँ पर नींबू पानी पिया था। नींबू पानी इनके यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। हम लोग जब भी, मतलब पिछले बार भी दो बार आए थे ना, तो उस टाइम पर नींबू पानी ही पिया था। मसाले वाला नींबू पानी होता है और बहुत टेस्टी लगता है यहाँ पे नींबू पानी। तो सब लोगों ने नींबू पानी पिया, बहुत लोगों ने हमारे इसमें तीन तीन चार चार ग्लास पिए। और हम लोगों ने सारी जिसकी टेस्ट की थी, जैसे कि नींबू पानी और जो भी जूस थे वो जूसेस लिए थे, मतलब जैसे कि वो कोकम जूस और पाइनएप्पल जूस और ये सारी चीज़ें। तो बहुत से लोगों ने, मतलब एक से तो काम हो ही नहीं रहा था, एक गिलास से तो बिल्कुल काम नहीं हुआ हमारा। हमने दो दो तीन तीन गिलास लिए और उसके बाद पीने के बाद हम लोग चले गए कुछ खाने के लिए। चलिए यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे होटल रूम्स पे, और उसके बाद हम लोग जहाँ जाएंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ना हमने घावने और क्या बोलते हैं मिसल पाव और वो चीज़ें सब कुछ खाई थी। तो चलिए इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।